हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं बी गॉर्जियस, मैं हूँ नेमी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सा, इजी सा डीआईवाई होममेड फेस मास्क। अगर हम बात करें हमारे स्किन की, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आपकी स्किन यंगर नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में फाइन लाइंस आने लगती हैं, लूज़ हो जाती है स्किन, एनवायरनमेंट की वजह से आपकी स्किन में डर्ट जमती है, डेड स्किन जम जाती है, डेड सेल्स जम जाती हैं, जिनका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन की जो मात्रा होती है वो घट जाती है। अगर आपकी स्किन में कोलेजन प्रोसेस कम हो जाएगी तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी खो जाती है। इलास्टिसिटी खोने की वजह से आपकी स्किन लूज हो जाती है, डेड सेल्स जमने लगती हैं आपकी स्किन में, फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियाँ, ये सारी चीज़ें, डार्क सर्कल, ये सब आने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए बहुत ही इजी सा, सिंपल सा डीआईवाई फेस मास्क आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसकी हेल्प से आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो बूस्टअप होगी। आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन अगर अच्छी मात्रा में होगा तो आपकी स्किन में एक टाइटनेस बनी रहेगी, ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा आपको इस फेस मास्क को यूज़ करने के बाद। बहुत ही इजी सा सिंपल सा फेस मास्क है, दो तीन इंग्रेडिएंट्स इसमें हम यूज़ करने वाले हैं जो आपके घर पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं भी है तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। तो गाइज, इसी तरह की वीडियो के लिए, अगर आप मेरे अभी चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है। और हाँ, अगर आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बातों को लंबा ना खींचते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं ये फेस मास्क हमें बनाना कैसे है। इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है आधा केला और इसे अच्छे से आपको मैश कर लेना है। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं या किसी स्पून या मैशर की हेल्प से अच्छे से आप इसे मैश भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें लम्स ना रहें, क्योंकि अगर इसमें लम्स रहेंगे तो वो लगाते समय आपको एप्लीकेशन के टाइम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। इसे अच्छे से मैश करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है कर्ड। यहाँ पर हमें थिक कर्ड लेना है, उसमें वाटर ना अवेलेबल हो। आपको गाढ़ा दही यहाँ पर यूज़ करना है। एक से दो छोटे चम्मच आपको दही ऐड करने के बाद थर्ड इन्ग्रीडियंट यहाँ पर यूज़ करना है, हमें 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे हम इसमें। दैट्स इट गाइस, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर ऐड करनी है। इस मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक थिक पेस्ट आपको रेडी कर लेना है और ये आपका फेस मास्क, फेस टाइटनिंग फेस मास्क आपका बनकर रेडी है। ये तीनों इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे और आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन को टाइटन अप करने के साथ आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट भी देंगे। तो इस मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसे आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, गर्दन के एरिया को भी आपको कवर करना है। इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। केले में काफ़ी मात्रा में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्टअप करता है, आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन और रिंकल्स की प्रॉब्लम को ये दूर करता है, आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट लेकर आता है। और इसमें हमने यहाँ पर कर्ड यूज़ किया जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन देने के साथ साथ आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो आपकी स्किन की सैगिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है, झाइयाँ, पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस को दूर करता है। इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे अपने फेस पर लगे रहकर छोड़ देना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये फेस मास्क आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार ज़रूर यूज़ करना है और इसे, इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप अगर चाहें तो इसे रात में अप्लाई करके फेस को वॉश करके अच्छे से अपने स्किन पे जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसे यूज़ कीजिए और आप हफ्ते भर में अपने स्किन पे काफ़ी हद तक चेंजेस नोटिस कर पाएंगे। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा इसके रिजल्ट्स।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी गॉर्जियस।